नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मौसम समाचार के इस अपडेटेड वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं आज देश भर के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू किया जाए इससे पहले कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी समेत दिल्ली में भीषण ठंड का कहर जारी, मैदानी इलाकों में घने कोहरे का सितम। दोस्तों उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में इन दोनों भीषण ठंड और घने कोहरे का कहर बरपा रखा है। दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही शीत लहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। दोस्तों मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान यहां भीषण ठंड का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के जानकारों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की आशंका है। दोस्तों इसके साथ ही गंगा के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने की आशंका जताई गई है, इससे लोगों की मुसीबत और बढ़ेगी। दोस्तों भीषण ठंड की गिरफ्त में यूपी, दोस्तों उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हैं। आज की रात मथुरा के फताह में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दोस्तों ये सीजन के दौरान प्रदेश में किसी भी स्थान का न्यूनतम तापमान है। दोस्तों कानपुर, सोनभद्र और अयोध्या में भी भीषण ठंड पड़ रही है दोस्तों, और तीनों स्थानों पर न्यूनतम पारा 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदेश के 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, उससे कम दर्ज किया गया है। मौसम के जानकारों का कहना है कि पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में भीषण ठंड पड़ रही है। दोस्तों भीषण ठंड के कारण ही कई इलाकों में घना कोहरा और छाए रहने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों पंजाब में बच्चों के स्कूल बंद, यानी पंजाब में कड़ाके की ठंड के कारण बच्चों के स्कूल 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के स्कूल की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। कल से बड़े बच्चे की पढ़ाई सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। पंजाब के विभिन्न जिलों में घना कोहरा यानी कोहरा भी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है और सामान्य जनजीवन इससे काफी प्रभावित हुआ है। दोस्तों इन इलाकों में दिखेगी शीतलहर, यानी अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की आशंका है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज शाम से बारिश और बर्फबारी की तीव्रता और फैलाव बढ़ने की आशंका है। दोस्तों गंगा के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। वैसे दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इसकी तीव्रता में कमी आने की संभावना है। यानी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति रह सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर और पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति जारी रह सकती है। तो दोस्तों ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।